लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। कन्नौज जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसमें लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस सेल्फी पॉइंट की शुरुआत खुद डीएम रविन्द्र कुमार ने सेल्फी पॉइंट पर खड़े होकर की। सेल्फी पॉइंट में मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले स्लोगन भी लिखे गए। जनपद में मतदाता जागरूकता के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं और उसी के अंतर्गत एक ही सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। लोग अपनी फोटो यहाँ खड़े होकर लेंगे और सोशल मीडिया में शेयर करेंगे, तो इससे एक संदेश जाएगा, वो खुद मतदान करने के लिए जागरूक होंगे और जहाँ जहाँ भी ये शेयर करेंगे दूसरे मतदाता भी जागरूक होंगे। मऊ में चुनाव को लेकर सोनी धापा इंटर कॉलेज के मैदान से जिलाधिकारी के नेतृत्व में मशाल जुलूस मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली सोनी धापा मैदान से शुरू होकर रोडवेज से होते हुए आजमगढ़ एवं गाजीपुर तिराहा पर जाकर समाप्त हुई। इस रैली में स्कूल के अध्यापकों, विकास भवन के अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकारों ने भाग लिया और इस रैली में लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। आज उसी चीज़ को आज हम लोग मशाल जुलूस लेकर के निकलेंगे और अपने शहर को जागरूक बनाएंगे। सारे मतदाता हमारे जागृत हों और मतदान में भाग लें और सब कुछ मतदान करें, जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत और सुदृढ़ हो। थैंक यू। कि हमारे सारे मतदाता जागरूक हो, हम मतदान में भाग लें, शत प्रतिशत मतदान हो, मेरी यही शुभकामना मतदाताओं के लिए, जिससे लोकतंत्र मजबूत और सुदृढ़ हो। चंदौली जिले के मुगलसराय विधानसभा और सैयद रजा विधानसभा में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग घर से बाहर निकले और मतदान के लिए खुलकर निष्पक्ष होकर मतदान करें। सबसे पहले मुगलसराय विधानसभा में दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें लाल बहादुर शास्त्री कन्या विद्यालय के हजारों की संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया। मतदाता जागरूकता रैली में झांकियां निकाली गई और झांकियों के माध्यम से लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं इसी क्रम में सैयद रजा विधानसभा में छोटे बच्चों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। इन दोनों रैलियों को जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके लिए जिला प्रशासन पूरे जनपद में बड़े पैमाने पर मतदाता जागरूकता रैली निकाल रहा है। रैली है और क्या जागरूक करने के लिए आप लोग जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं? जनपद में मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत आज लाल बहादुर शास्त्री बालिका इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा एक वृहद रैली यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका क्षेत्र में निकाली जा रही है। और इसका पर्पज़ ये है कि सभी मतदाताओं को जागरूक करें, सभी को 19 मई जो मतदान का दिवस है जनपद में, उस दिन घर से बाहर निकलकर अधिक से अधिक संख्या में आकर वोट करें, इसके लिए प्रेरित करें। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि झांकियां भी निकाली गई है छात्र छात्राओं के द्वारा और इस रैली के माध्यम से ये संदेश घर घर तक पहुँचाने का प्रयास यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका के अंतर्गत किया जा रहा है। देश में आम चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सरकार बनाने के लिए पूरा दम लगा दिया है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान करने हेतु प्रेरित करने का काम भी शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।